I will continue to do that. I am not scared of these threats, of these disqualifications, of these allegations, of these prison sentences. I don't care. I'm not scared of them. Okay? These people don't understand me yet. I am not scared of them. They are used to everybody being scared of them. I am not scared of them. Right? And I will continue to ask the question. What is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani? It is an old relationship. It is a relationship that began when he was Chief Minister of Gujarat. Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat, organized all that. This is a partnership. It's a close partnership. I'm going to keep asking that question. Rahul Ji, मैं मोहित दुबे हूँ. मेरा सवाल यह है कि आप शहीदों के परिवार से आते हैं. आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, आप सत्ता में वापस आए. आज के दौर में राहुल गांधी भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि तमाम आपने इश्यूज को उठाया, चीन के इश्यूज को उठाया. क्या राहुल गांधी भी जनता के बीच में जाएंगे और वही वापसी फिर से करेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4.5 महीने जनता के बीच में रहेंगे और वो मेरा काम है, वो मैं करता जाऊंगा. हाँ जी अनवर, अनवर. आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया से मिलती थी, बाकी इंस्टीट्यूशन से मिलती थी, वो नहीं मिलती है. तो ऑपोजिशन की पार्टीज को एक ही रास्ता है, जनता के बीच में जाने का. हाँ जी अनवर. सर, भारतीय जनता पार्टी ने आप पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में, आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए. तो मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है. ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते का मामला है. 20,000 करोड़ रुपए जो अदानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए. बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है, कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? संजय मिश्रा. और वो अदानी का पैसा नहीं हो सकता. संजय मिश्रा. लेकिन आपने कहा आप डरते नहीं हैं, लेकिन स्टेट के टारगेट पे हैं और स्टेट आपके खिलाफ है, पूरी स्टेट, पूरी मशीनरी आपके खिलाफ है. ऐसे में आपके सामने चैलेंजेस बहुत बड़ा है, तो रास्ता क्या है, रणनीति क्या है? देखिए भैया, चाहे स्टेट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं. मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं. राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है. मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं. तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा. चाहे मुझे डिस्क्वालिफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे अपनी तपस्या करनी है. इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है. शांत हो जाइए. इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है, इज्जत दी है, इसलिए मैं ये करता हूं. सुप्रिया. सर, राहुल सर, बीजेपी के जो लीडर्स आप पे अटैक कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और इसके अलावा वायनाड, वहां पर जब से खबर गई है वहां पे लोग बहुत डिसबिलीफ में हैं, प्रोटेस्ट भी इरप्ट हो रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है. तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है, तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा उनका. देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है. देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो. नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए,
ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है।